सिर्फ अपने किसानों के लिए और उद्यान विभाग के अधिकारियों के माध्यम से हमारी सरकार जो फलदार वृक्ष और जो फल और बीज और फ्रूट के पौधे बांटने का काम कर रही है उसका आप लाभ उठाएं और उद्यान विभाग के अधिकारी आपको हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। यही मैं अपनी सरकार के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ हमेशा खड़े रहने का। आज 27 फरवरी 2023 को राजकीय उद्यान सरुआ में मुख्य उद्यानाधिकारी महोदय जैसा कि उपस्थित हुए हैं और सारे किसान यहां पर उपस्थित हैं और ये पौधों शीतकालीन पेड़ पौधों का वितरण किया जा रहा है, साथ ही आलू के बीज का भी वितरण किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा नज़ारा जैसे कि आप देख रहे हैं। मेरा नाम आनंद बिष्ट है और मैं बूढ़ी बना धारी का रहने वाला हूं और हम लोग यहां पे एप्पल मिशन के तहत चलाए जा रहे जो प्रोजेक्ट हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं गवर्नमेंट की सहायता से, जो 80% सब्सिडी है। और हमारी फर्म का नाम है समृद्धि एग्रोटेक, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से इनपैनल्ड है। हम शगुन नर्सरी के साथ में यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी तक लगभग हम 40 प्रोजेक्ट यहाँ पर डिलीवर कर चुके हैं 2 महीने में, जिनमें हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर से लेकर प्लांटेशन से लेकर के ड्रिप एरिगेशन सिस्टम कंप्लीट यूनिट फार्मर को अभी तक हम हैंड ओवर कर चुके हैं और कुछ 10 से 12 यूनिट अभी हमारी पेंडिंग चल रही हैं जिन पर अभी हमारा काम जो है तेज गति से हो रहा है, जिस पर ड्रिप एरिगेशन पर हम लोगों का अभी फोकस है। क्योंकि अभी क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने से क्या हो रहा है कि जितने भी हम प्लांट बाहर से लेके आए हैं उनमें स्प्राउटिंग होने की तैयारी हुई, उनको हम चाहते हैं कि स्प्राउटिंग होने से पहले प्लांटेशन कर दें और उनको पानी हम सुचारू रूप से चला सकें। और दूसरा, मैं एक ऑर्चर डेवलपर के साथ साथ मैं एक फार्मर भी हूँ। मैंने खुद के 5000 प्लांट जो हैं बाहर से लेके आया हूँ हिमाचल से, इंपोर्टेड वैरायटी में, जैसे किंग रोट है, जेरोमाइन है, मैमा मास्टर है, फेंजम गाला है, जेरोमाइन है और किंग रोट है। इन वैरायटी पर हम लोग काम कर रहे हैं और जिसमें हम क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम कर रहे हैं। हम हिमाचल से जो हमारे प्रोनर और ट्रेनर आते हैं उनको यहाँ पर ला करके जो लोकल के यंग और डायनामिक लड़के हैं जो वेल क्वालिफाइड है, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई एमबीए किया हुआ है, तो उनको अपने साथ जोड़ रखा हमने। वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और प्रोनिंग भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें करके और खुद के ऑर्चर्ड भी डेवलप कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी हम जो हमारा एप्पल का जो प्रोडक्शन होगा 2025-26 में, उसके लिए हम मार्केटिंग की एक स्ट्रांग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उसके साथ में उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसकी ब्रांडिंग कैसी होगी, ताकि जो हमारे यहाँ लोकल पर जितना भी एप्पल हम ग्रो करेंगे उसको हम मेट्रो सिटीज़ में बेहतर प्राइस पे कैसे दे सके, 200 से 250 रुपीज़ पर केजी का हम टारगेट कैसे उसको हम टारगेट कर सकते हैं मेट्रो सिटीज़ में इम्पोर्टेड वेराइटीज़ पर। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने साथ में और भी फार्मरों को जोड़ रहे हैं। और इस बार का हमारा टारगेट था 20,000 प्लांटेशन का जो बाहर से हम लोग लेके आ रहे थे, और अभी तक हम 25,000 प्लांट्स जो है यहाँ पे प्लांटेशन करा चुके हैं। हम अपने टारगेट से 5,000 प्लांट्स और भी ऊपर चले गए हैं। और हमारे साथ कुछ हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं जिनके लिए हमने ऑर्चर्ड डेवलप किए हुए हैं, जैसे हमारे पास संजय नियाल जी हैं, ये साथ भी लेटीबुंगा के ग्राम प्रधान भी हैं। मैं चाहता हूँ कि संजय नियाल जी इसके बारे में बताएं, जो हमने आपके यहाँ जो ऑर्चर्ड डेवलप कर रखा है उसमें क्या है, कैसे, और आप कैसे कर रहे हैं, और आपको वहाँ पे उसको करने में क्या इशूज आ रहे हैं, या फिर आपको कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप कर तो रहे हैं कि लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। पहले मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं उद्यान विभाग द्वारा जो चलाई गई योजना है एप्पल मिशन के अंतर्गत, जो 80% सब्सिडी में जो योजना चलाई गई है, तो हमने भी इधर उधर के गांव में, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, संजय नयाल मेरा नाम है, ग्राम सभा सजविनी लेटीबुंगा, उप ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। तो मैंने ये जो एप्पल मिशन द्वारा जो योजना चलाई गई है इधर उधर के गांव में देखा कि 3-4 बगीचे देखे हमने कि किस तरीके से ये बगीचे लग रहे हैं, कहाँ से कैसे सेव हैं, क्या क्या इसमें होता है। मगर इसमें हमारा प्रयास बहुत 2 साल पहले से था, मगर हमको इसकी गाइडेंस बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी कि कौन आदमी हम किस आदमी से हम कॉन्टेक्ट करें, किस आदमी से क्या क्या चीज़, ये बिल्कुल हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। इनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया कि मैं आपके घर में आता हूँ, आपने जो बगीचा लगा रखा है मुझे देखना है। तो इनके घर में गया, इनके बगीचे को मैंने देखा, वहाँ पर 2-1 बगीचे इन्होंने और दिखाए, तो लगा कि तब से मेरा 90% रास्ता खुल गया कि अगर मैं इस विभाग उद्यान विभाग द्वारा चलाई गई योजना में अगर मैं आवेदन करता हूँ, अगर मेरा योजना मेरी पास हो गई, तो मैं अब मेरे वो दिल से हट गई कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिल गए हैं कि कहाँ से मुझे पेड़ आएंगे, कहाँ से
किस आदमी किसके माध्यम से मेरा बगीचा डेवलप होगा। मेरा जो 500 पेड़ों का बगीचा, इस दफ़े मैंने एक नींव डाल रखी है कि 500 पेड़ों से स्टार्टिंग करी, तो इनके माध्यम से मेरा बगीचा लगा है और वहाँ पर पूरा इन्होंने 5-7 दिन के अंदर में सारा पेड़ वायर पोल वगैरह सारा कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर करके पेड़ लगा करके अब मेरे वहाँ ड्रिप भी चालू हो चुकी है। तो अब कोई उसमें आधा घंटा हम सुबह जाते हैं, आधा घंटा शाम को जाते हैं, जब तक अभी थोड़ा सा क्लाइमेट कुछ मौसम गर्म है तो पानी देने के लिए हम जा रहे हैं। बाकी हमारा प्लांट बिल्कुल सही लगा है और पौधे भी बिल्कुल अच्छे दे रखे हैं इन्होंने। और मैं तो जो भी किसान, अगर किसान लोग हैं, नवयुवक हैं, मैं उनसे भी नवयुवकों से विशेषकर कहना चाहूँगा इस आपके माध्यम से कि जो उत्तराखंड हमारे पहाड़ों से पलायन हो रहा है, तो अगर यह पढ़ाई के लिए जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है उनके लिए भी ये बहुत प्रैक्टिकली वो लोग नवयुवक लोग कर सकते हैं इसको। इसमें जो बेनिफिट है, मैंने जो इधर उधर के बगीचों में देखा तो उनके माध्यम से हमको भी बताया गया कि यह इतना रुपये किलो ये जो मार्केट में इसकी कीमत है क्या है, मगर मुझे तो अच्छा लगा। और एक बगीचा मैंने 500 पेड़ों का प्लांट मैंने लगा रखा है, तो मैं 500 का मैं आने वाले वर्ष के लिए मैं और लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, हम लोग क्या है, मैं एक खुद रिवर्स माइग्रेशन वाला हूँ, मैं 2008 का MBA पास आउट हूँ फाइनेंस से, तो मैं यहाँ पर वापसी इसलिए आया कि जो परेशानियाँ हमने देखी थी, हम जब बाहर जाते हैं, हम किस तरीके से बाहर जाने के बाद कैसे हम क्या करते हैं, जॉब कैसे करते हैं, अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, 7-8 साल में हम अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जब हम यहाँ पर आकर के अपने आप को सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जो प्रॉब्लम हमने फेस की थी कि आने वाला मेरा कोई भाई ये प्रॉब्लम फेस ना करे, और जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर है ना, हम इसको पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर दें, प्रोफेशनल हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में। किसान में जुड़े हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, जो हमारे किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने विचार रखें और युवाओं को प्रोत्साहित करें, जो नई जनरेशन है, कि कैसे वो इस मिशन में जुड़ें और किस तरीके से वो अपने आप को प्रोफेशनली जो है हॉर्टिकल्चर, जिस तरीके से हिमाचल के अंदर 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, कि हम इसी बेल्ट में किस तरीके से इस इंडस्ट्री को हम आने वाले 25-26 में 2 से लेके 5 करोड़ के आउटपुट तक ले जा सके। धन्यवाद। मेरा नाम मोहन सिंह बिष्ट है, मैं भी एक यहाँ का स्थायी नागरिक और सीमांत काश्तकार हूँ। तो हमारे यहाँ ये धारी और रामगढ़ नज़दीकी जो है, जो फल उत्पादित क्षेत्र है, इनमें कृषि विभाग और उद्यान विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं का पिछले मैं भी अनुभव कर रहा हूँ कि 5 से 10 साल में काफ़ी तेज़ी के साथ परिवर्तन हो रहा है। और सरकार ने पहले अपन मिशन 20 नाली में दिया था शुरुआत में, अब जो है 5 नाली 2 नाली में भी पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और 80% अनुदान की जहां बात कही, तो हम देख रहे हैं पॉली हाउस में हिस्सा प्रमाण पत्र बना के यहां पे कागज़ वगैरह पूरा अपना जमा कर रहे हैं, और जो भी काश्तकार के पास खाली ज़मीन है, पानी के साधन है, तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इतना ही कहूँगा कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है और उसमें कुछ हाथ हमको बढ़ाने पड़ेंगे और कुछ उनको बढ़ाने पड़ेंगे, और इसीलिए हम लोगों की सभी ये जो है सबकी मेहनत रंग लाएगी और हम लोग एक नए भारत की ओर जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज दिनांक 27 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा में जनपद नैनीताल, यहाँ पर माननीय विधायक जी श्री राम सिंह केड़ा जी आए हुए थे, उनके कुशल मार्गदर्शन में यहाँ पर लगभग 35,000 सेब के क्लोनल रूट स्टॉक आधारित पौधों का वितरण कार्य शुरू कराया गया है। साथ ही आलू का बीज भी किसानों को उपलब्ध कराया गया। उनके ही विशेष प्रयासों से लगभग 1 लाख से अधिक जनपद नैनीताल में इस बार कोरेगोल्ड बॉक्सों का वितरण कार्य कराया जाएगा। ये धारी रामगढ़, ये जो हमारी बेल्ट है, फ्रूट बेल्ट के नाम से मशहूर है, उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक जी के विशेष प्रयासों से और साथ ही हमारे मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय का भी इसमें कम प्रयास नहीं है, और साथ ही मुख्यमंत्री जी माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के भी प्रयासों से किसानों के हित में निरंतर इस समय जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन उद्यान विभाग के साथ, उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग की सहायता से कराया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय पहल है। किसान, जैसे कि हम लघु सीमांत किसान कहते हैं, उनकी पहुंच से बाहर थे,
उनको आज सरकार के माध्यम से बिना किसी शुल्क के पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि किसानों की कहीं ना कहीं बहुत उन्नति होगी। किसान हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा, उनको बहुत अच्छी क्वालिटी के पौधे इम्पोर्ट प्लांट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनसे कहीं ना कहीं किसानों की आय, जैसा कि सरकार का विजन है दुगुनी करने का, जरूर डेवलप होगी। ये तो आज के प्रोग्राम की मुख्य भूमिका है। साथ ही जैसा कि इस उद्यान में आप खड़े हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इस उद्यान में भी हाई क्वालिटी मटेरियल जैसे अखरोट के लगभग 800 प्लांटों का रोपण कार्य कराया जा रहा है। सेब के क्लोनल रूट स्टॉक आधारित लगभग 2135 पेड़ों को यहाँ पर रोपित कराया जा रहा है। साथ ही चेरी के लगभग 400 पेड़ और खुबानी के 250 पेड़ों का रोपण कार्य करा दिया गया है। बहुत तेज़ी से ये काम कराया जा रहा है। ये जो सेंटर है हमारा, इस पर हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल भविष्य में किसानों को उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है और उम्मीद है कि हम इसमें बहुत सफल जरूर होंगे। साथ ही समय समय पर यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग्स होंगी उनका आयोजन कराया जाएगा। एक विशेष बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, यहाँ पर गत वर्ष 2500 हाई डेंसिटी एप्पल आर्चर्ड ब्लॉक बनाया गया है, जो कि वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति में है। इससे जो भी प्लांटिंग मटेरियल भविष्य में बनाया जाएगा, जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, उनका लाभ पूरा किसानों को हम इस ब्लॉक के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहते हैं और उम्मीद है कि जो हमारा प्रयास है उसको हम सफल जरूर होंगे और ये सपना जो हमारा किसानों की आय दुगनी करने का है वो जरूर पूरा होगा। धन्यवाद।